माता लक्ष्मी का पूजन करते हो दीपावली पर, ऐसा कोई घर नहीं सनातन धर्म में, ऐसा कोई घर नहीं जहां माता लक्ष्मी का पूजन नहीं होता दीपावली पर। 31 अक्टूबर को जब आप मां लक्ष्मी का पूजन करोगे, माता लक्ष्मी की जब पूजन करो, जैसी आपके यहां पूजन होती है, जैसे आपके पूर्वज करते आए, जैसे आपके घर के ब्राह्मण देवता, जैसे आपके नगर के ब्राह्मण देवता जिस बाबू से पूजन कराते हो, ब्राह्मण पूजन कराने आते हो तो ठीक, ना आते हो तो आपके घर में आप स्वयं जैसे माता लक्ष्मी का पूजन करते हो वैसे करो। पर दो दिन जो आपने धनतेरस पर जो सिक्का रखा है थाली में, वैसा कि वैसा ही सिक्का आपने रूप चौदस के दिन थाली में रखा है, वही की वही थाली दीपावली के दिन भी पूजन में, जैसी आप पूजन जमाते हो वैसे की वैसे ही जमा, जैसे करते हो वैसे की वैसे ही करो। पर साथ में वो पूजन की थाली एक पाटे पर लाल वस्त्र बिछाकर चोक पूर कर बड़े प्रेम से अन्न का दाना रखकर वो थाली वापिस और दीपावली के दिन भी वैसी की वैसे ही पूजन करना है। आप अपनी पूजन जैसे करते हो वैसा करो, पर साथ में वही कंकु चावल रोली मोली हल्दी सब चढ़ाकर भगवान को बड़े प्रेम से जो सिक्के रखे हैं उन सिक्कों की पूजन वैसी की वैसी करना है जो दो दिन से आप करते हैं। बस इतना याद रखें कि दीपावली के दिन जो आप लक्ष्मी का पूजन करें उसमें लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की ओर घी का अखंड दीप लंबी बत्ती का, और लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ की तरफ तेल का लंबी बाती का अखंड दीप जला, अखंड दीप माता लक्ष्मी का जल। लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ पर काय का दिया आएगा, जम के बोलो, तेल का लंबी बाती का, और सीधे हाथ पर काय का आएगा, घी का दीप। दोनों दीप अखंड जलाना है, जो रात्रि को जले सुबह तक वो जलते रहे ऐसा दीप पर ध्यान देना है, और माता लक्ष्मी की पूजन कर जो सिक्के आपने रखे हैं उस पर 5 या 7 कमलगट्टे, हल्दी की गठान, अमरबेल के टुकड़े। पर इस पूजन में आपको हरी मूंग, खड़ी जो मूंग आती है हरी, उसको भी थोड़ा सा समर्पित करना है, और खड़ा धना और गुड़ की थोड़ी सी डली ये भी समर्पित करना। जो कमल का पुष्प हो, जो पुष्प आपके पास में हो लाल कलर का, वो माता लक्ष्मी को समर्पित करना है। चावल सफेद नहीं, पीले कलर कर भगवान माता लक्ष्मी को समर्पित करना है। हल्दी और कुंकू माता लक्ष्मी को समर्पित करना है, और माँ को भोग लगाकर बड़े प्रेम से माता की आरती कर झोली पसार कर प्रणाम करना है। प्रणाम कर जब आप पूजन पूर्ण हो जाए बड़े प्रेम से आनंद से आप लोग भोजन आदि सब करने के बाद में रात्रि का जो समय रहे दीपावली की रात्रि का 11 बजे के बाद 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में प्रयास करना कि किसी भी एक वृक्ष के नीचे, या तो पीपल या बेलपत्र या आंवला, किसी भी एक वृक्ष के नीचे रात्रि के समय पर जाकर एक दीप अवश्य लगाना घी का, और वापिस लौट कर आकर प्रयास करना कि कोई एक सिक्का, कोई भी एक रुपया, दो रुपया, कोई भी घर में चारों तरफ घुमाने के बाद वो सिक्का अपनी अलमारी में, तिजोरी में या दुकान में, जिसमें आप रख सकते हो उसको रखना। फिर अगले वर्ष आपसे बात करेंगे कि वो तिजोरी खाली तो नहीं हुई, बाबा ने भंडार भर कर रखा कि नहीं, उसने भरा कि ना भरा। प्रयास करें लक्ष्मी पूजन का। बस पूजन जैसे करते हो, आपके जैसे ब्राह्मण ने बता दिया, जैसे माता पिता ने बता दिया, जैसे पूर्वजों ने बता दिया, जैसे घर में करते आए हो वैसी की वैसी लक्ष्मी पूजन करो। ज्यादा ढोंग प्रपंच में नहीं पड़ना, किसी ने कहा ऐसा कर दो ना, किसी ने कहा वैसा कर दो ना, अपने आनंद के साथ आप लक्ष्मी की साधारण पूजन जैसे करते आए हो वैसी की वैसे करो। बस वो सिक्के की पूजन आपको 5 दिन तक करना है। तो दीपावली के दिन कौन सा दिन हो जाएगा, 3रा दिन पूर्ण हो जाएगा। फिर पड़वा के दिन का नियम, फिर दूज के दिन का नियम अभी अपन कथा में सुनेंगे। नियम से धारण कर माता लक्ष्मी का स्मरण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। भक्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप सभी के धन के भंडार भरे रखें। आज की इस वीडियो में गुरु जी ने दीपावली के लिए विशेष पूजा बताई।
यह पूजा आपको दीपावली के दिन करनी है। वैसे तो यह पूजा धनतेरस से शुरू होती है और भाई दूज तक चलती है। लगातार 5 दिन की यह पूजा होती है और 5 दिन की पूजा का डिटेल में वीडियो, अच्छी तरह से जो वीडियो है वो मैंने पहले इस चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो आप इस चैनल पर जाकर वह वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो के अंत में वह वीडियो दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो के आई बटन में भी आप वह वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी वह वीडियो पूरा देख सकते हैं। उस वीडियो में धनतेरस के दिन कैसे पूजा करनी है वह पूरा डिटेल में बताया गया है। उसी प्रकार से आपको हर रोज लगातार 5 दिन पूजा करनी है। और आज की इस वीडियो में गुरुजी ने दीपावली की विशेष पूजा बताई, बाकी गुरुजी ने सब कुछ इस वीडियो में बताया है। आपको विशेष एक चीज का ध्यान रखना है कि आप जो अखंड दीपक जलाएंगे, जो आपको अखंड 2 दीपक जलाने हैं उनका विशेष ध्यान रखना है। एक आपको तेल का दीपक जलाना है और एक आपको घी का दीपक जलाना है। दोनों दीपक लंबी बाती के जलाने हैं। एक दीपक आपको माता लक्ष्मी के लेफ्ट साइड और एक दीपक आपको माता लक्ष्मी के राइट साइड जलाना है। अब यहाँ आपको ये एक बात का ध्यान रखना है कि कौन सी साइड आपको घी का दीपक लगाना है और कौन सी साइड आपको तेल का दीपक लगाना है। तो माता लक्ष्मी जी के दाहिने हाथ की तरफ, सज्जे हाथ की तरफ घी का दीपक जलाना है। अगर आप माता लक्ष्मी के सामने बैठेंगे तो आपका जो है बायां हाथ होगा वो माता लक्ष्मी का दायां हाथ होगा। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी के दाहिने हाथ की ओर आपको घी का दीपक जलाना है और माता लक्ष्मी के बाएं हाथ की ओर, लेफ्ट हैंड की साइड, आपको तेल का दीपक जलाना है। और यह दीपक आपका दीपावली के अगले दिन सुबह तक जलता रहना चाहिए। उतना तेल या घी उस दीपक में जरूर आपको डालना है। यह विशेष आपको ध्यान रखना है। बाकी इस वीडियो में गुरुजी ने पूरा बताया है उस विधि से आपको दीपावली की विशेष पूजा करनी है। यह पूजा करने से माता लक्ष्मी विशेष प्रसन्न होती है, अत्यंत प्रसन्न होती है, और पूरे साल आपके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहती, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती। मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने की। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब देने की। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।